City News. टीवी चैनल उजाला सिटी न्यूज की अपार सफलता के बाद अब उजाला परिवार आपके लिए ला रहा है हिंदी समाचार पत्र उजाला सिटी, संपूर्ण खबरों का खजाना। कमिंग सून उजाला सिटी हिंदी न्यूज़पेपर। नगर के क्षेत्रफल का होगा विस्तार, वार्डों की संख्या 125 होने की संभावना। अमौसी में पकड़े गए 20 करोड़ के गहने, आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई छानबीन। लोहिया अस्पताल में लगेगी डायलिसिस यूनिट, शासन द्वारा मंजूर किया गया प्रस्ताव। रेलवे पुलिस कर्मियों की कसी जाएगी लगाम, ड्यूटी से गायब रहने पर होगी सख्त कार्रवाई। इलाहाबाद बैंक का मनाया गया स्थापना दिवस, बैंक ने पूरा किया 147 वर्षों का सफर। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर वन न्यूज चैनल। नमस्कार लखनऊ, उजाला सिटी न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। पेश है आज के प्रमुख समाचार और विशेष कार्यक्रम। पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पशुधन अधिकारी संघ का हुआ अधिवेशन। चौरसिया समाज का सामूहिक विवाह समारोह। अलीगंज पुलिस ने पकड़े 3 शातिर चोर। सूफी एवं पॉप गायक हंसराज हंस ने पेश किए कलाम। मेहमान असमा हुसैन फैशन डिजाइनर। आपकी सेहत विशेष में जानकारी देंगी चेतना आहूजा। स्पेशल स्टोरी में पक्षी दिवस पर खूब चहचहाए पक्षी। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम, विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विशेष जानकारियाँ। रविवार कारोबार, सोमवार कला संस्कृति, मंगलवार आपकी सेहत, बुधवार विज्ञान, गुरुवार उजाला अदबी मंच, शुक्रवार खेल विशेष, शनिवार मनोरंजन। विशेषज्ञों द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो विशेषज्ञों का अपना मत है, इसमें उजाला सिटी न्यूज का कोई मत शामिल नहीं है। अब देखिए खबरें विस्तार से। पशुधन प्रसार अधिकारी संघ का 44वां द्विवार्षिक अधिवेशन आज फैजाबाद रोड स्थित पशुपालन निदेशालय में सम्पन्न हुआ। इसमें प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए पशुधन प्रसार अधिकारी शामिल हुए। अधिवेशन के दौरान संघ का चुनाव कराया गया। फैजाबाद रोड पशुपालन निदेशालय में आयोजित पशुधन प्रसार अधिकारी संघ के द्विवार्षिक अधिवेशन में वेतन विसंगति पदोन्नति सहित 36 बिंदुओं पर चर्चा हुई। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष धनराज सिंह तोमर ने बताया कि प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पशुधन प्रसार अधिकारी एक लंबे अरसे से उपेक्षा का शिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। चौरसिया समाज की ओर से पानदरीबा चारबाग में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 4 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में IAS नवल किशोर और लखनऊ के सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर AK चौरसिया शामिल हुए। पानदरीबा चारबाग में चौरसिया समाज की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। इसमें सोनू सोनी, मुन्ना निहारिका, राम बालक निशा और मनोज सीमा चौरसिया के विवाह हुए। मुख्य अतिथि IAS नवल किशोर एवं सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर AK चौरसिया ने इस मौके पर वर वधु को आशीर्वाद दिया। सामूहिक विवाह समारोह में श्याम प्रकाश चौरसिया, दीपक चौरसिया, कमलेश चौरसिया आदि प्रमुख लोग मौजूद रहे। आज हम लोगों ने सामूहिक विवाह का आयोजन कराया है, जिसमें 5 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। हम इन लोग को आशीर्वाद देते हैं कि ताजिंदगी ये खुश रहें और सही से अपनी जिंदगी का निर्वाह करें। और ये प्रोग्राम हमने शुरू कराया है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर जो कुरीति है और समाजों में है तो बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लें इसमें और सामूहिक विवाह, दहेज रहित विवाह का प्रचलन शुरू हो और उसको स्थायी रूप मिले और मान्यता मिले, जिससे कि समाज में फैली हुई दहेज की प्रथा का उन्मूलन हो
ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। अलीगंज पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से लाखों रुपए मूल्य के जेवरात व अन्य सामान बरामद हुए। पुलिस पकड़े गए चोरों से चोरी की घटनाओं के संबंध में पूछताछ कर रही है। अलीगंज पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान संदिग्ध हालत में सीतापुरी निवासी नरेश रैदास, रवीश सिंह और बख्शीका तालाब इलाके के इंदौराबाग निवासी राहुल यादव को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान इलाके में होने वाली कई चोरियों का खुलासा हुआ। पकड़े गए चोर दिन में रेकी कर रात में चोरी करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। संत गाड़गे जी महाराज प्रेक्षागृह गोमती नगर में ब्रेक थ्रू संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम ख्वाबे शहर में प्रसिद्ध सूफी एवं पॉप गायक हंसराज हंस ने लखनऊ वासियों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रोता मौजूद थे। गोमती नगर स्थित संत गाड़गे जी महाराज प्रेक्षागृह में ख्वाबे शहर कार्यक्रम में सूफी एवं पॉप गायक हंसराज हंस ने सूफी से लेकर पंजाबी गीतों की महक बिखेरी। ब्रेक थ्रू संस्था की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत गायक हंसराज हंस द्वारा सूफी कलाम से की गई। कार्यक्रम में युवाओं का प्यार उन पर इतना बरसा कि हंसराज बोल उठे, वो तो कच्चे धागे थे, ये पक्के धागे हैं। सिटी न्यूज। अखिल भारतीय हेमवती नंदन बहुगुणा स्मृति समिति के तत्वाधान में सोमवार को रविन्द्रालय चारबाग में सांप्रदायिक एवं जाति आधारित राजनीति की चुनौतियों विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 92वीं जयंती पर रविन्द्रालय में आयोजित संगोष्ठी में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री एवं मुख्य अतिथि जयपाल रेड्डी ने भाजपा पर गहरा कटाक्ष किया। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की विचारधारा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। संगोष्ठी में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन, कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता प्रमोद तिवारी, कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी, स्वरूप कुमारी बख्शी, शेखर बहुगुणा, सांसद राशिद अलवी आदि ने विचार व्यक्त किए। तब खाक के बर्दे से इंसान निकलता है। बहुगुणा जी बिना शुबा सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे।